हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? वेलकम टू द क्वालिफाइड मिसाल चैनल। दोस्तों, बस एग्जाम की डेट एकदम नज़दीक आ गई है। उम्मीद करता हूं कि एंड ऑफ द जून रेलवे अपने एनटीपीसी और ग्रुप डी के दोनों के शेड्यूल्स एक साथ जारी करेंगे, क्योंकि आप देखो तो डेली अब बैक टू बैक एग्जाम के शेड्यूल्स आ रहे हैं। आप देखोगे तो यूपी ट्रिपल एससी का जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम था उसके स्किल टेस्ट की डेट्स आ चुकी हैं, दिल्ली पुलिस फिजिकल की डेट्स आ चुकी हैं, ठीक है, और आपका एक एसएससी सीएचएसएल का कोई स्किल टेस्ट हो, उसका भी शायद वो नोटिस आ चुका है, ठीक है। अब बैक टू बैक एग्जाम के नोटिस आ रहे हैं। अब आपको भी आपके भी नोटिस मिल जाएंगे हफ्ते या डेढ़ हफ्ते के अंदर, ठीक है। और जस्ट आपको जुलाई के स्टार्टिंग मिड ऑफ जुलाई में आपको एनटीपीसी के एग्जाम देखने को मिल जाएंगे, जो कि 7th फेज का एग्जाम अभी रह गया है, जिसमें कि 5 to 10 लाख कैंडिडेट्स अभी अपीयर होने बाकी है एग्जाम में। और आफ्टर दैट आपको ग्रुप डी का भी एग्जाम तुरंत स्टार्ट करवाए जाएंगे, एक हफ्ते का भी टाइम मिलेगा आपको। तो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, आपको अपने कमर कस लें, डेली एक मॉक लगाएं, ग्रेडअप से लगाएं, टेक्स्ट बुक से लगाएं, अड्डा 24/7 से लगाएं, कहीं से भी लगाएं जहाँ से आपको अच्छा लगे। मैं लगाता था ग्रेडअप से एंड टेक्स्ट बुक से, ठीक है। और आप जस्ट फोकस करें अपने परसेंटाइल पे एंड जो आपकी रैंक है उस पर फोकस करें, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। और आप पूरा फोकस करें मैथ्स पे, रीजनिंग पे एंड साइंस पे। और अगर आपने जीके करंट पे अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं कहूँगा यार जीके में आप केवल सेलेक्टिव पढ़ लो, जैसे ग्रैंड स्लैम हो गए, टाइटल हो गए, जो ग्रैंड स्लैम के चारों टाइटल थे, जैसे विंबलडन हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, और सीएमएन गवर्नेंस हो गया, ये मुद्राएं हो गई, राजधानी हो गई, ठीक है। ये सब चीज़ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, सेलेक्टिव फोकस करो, फालतू का करंट अफेयर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और स्टैटिक जीके में आप चाहो तो आप पिछले साल की जो 2018 के एग्जाम हुए थे ग्रुप डी के, वहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो, देख सकते हो कि वहाँ पे कैसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आए थे, वहाँ से आप उसको देख के आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे आइडिया है उसका, आप कहोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा कि आप किस तरह के जीएस के जीके के टॉपिक को कवर करें, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, मेरी जो मार्क्स थे ना ग्रुप डी में वो 17.79 थे आउट ऑफ 100 में, इतने मार्क्स मेरे थे। और बाकी मेरे मैथ्स और रीजनिंग के पेपर बहुत अच्छे हुए थे, साइंस के भी अच्छे हुए थे, थोड़ा जीएस में मेरा जो नंबर कटा था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैंने सिलेक्शन लिया था, इसका मुझे खुशी है, और आप भी सिलेक्शन लो, ये मुझे इंतजार है। और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले 6 महीनों में आपके अंदर आपके पास एक जॉब होगी, आप किसी न किसी स्टेशन पर तैनाती ले लोगे, ठीक है। बस आगे देखो, मेरा आइडिया क्या है, मैं ऐसे सोचता हूँ, आगे आने वाले 1.5 महीनों में जी जान लगा दो, एग्जाम को फोड़ दो, एग्जाम हॉल से बाहर निकलो तो पूरा अपने के अंदर वो कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैंने एग्जाम को क्रैक कर ही दूंगा, मुझे नौकरी मिली जाएगी। और जस्ट आफ्टर 6 मंथ के मैं आप ये भी देख सकते हो कि आपका कहीं ना कहीं किसी स्टेशन पे आपको नौकरी भी मिल जाएगी, यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस आएगा। अब जो अदर बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी करते हैं ना, उनको देखो, वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनकी लाइफ देखो, खुद की लाइफ देखो, वहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा। अपने माँ बाप को देखो जो तुमसे उम्मीद लगाए रखे, उनको देखो, वहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा। बाकी मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन आप खुद से दूसरों को देख के ले सकते हो, ठीक है, कि वो बंदा कहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ हूँ। तो बहुत लोग कहेंगे कि अभी तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कितने दिन से कर रहे हो, कब से कर रहे हो, तो उनको छोड़ो ना, उनका काम है बोलना यार, टाइम है आज, उनका टाइम है, कल हमारा भी टाइम आएगा, उनको दिखा देंगे कि हम कितने पानी में है, ठीक है। तो अभी से आप अच्छे से तैयारी करिए, लगे रहिए, एक मॉक लगाइए, जीके जीएस की अलग बात है, आप करंट अफेयर की अलग बात है, आप साइंस मैथ और रीजनिंग को पूरा फोकस करो, अच्छा नंबर लाओ, अच्छे से सिलेक्शन लो, नौकरी लो, ठीक है, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आके वहाँ डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, आप अबाउट द चैनल में जाएंगे, वहाँ से मेरी आईडी वहाँ पे लिंक पड़ी है, वहाँ से मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, और चाहो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो वहाँ से। और अगर कोई डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड, मॉक एग्जाम को रिलेटेड लेके कोई भी डाउट हो, कहीं दिक्कत आ रही है, तो वीडियो किसी से कमेंट करना, मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि आगे जो मेरी वीडियोज आएंगी वो स्ट्रेटजी पे आएंगी, मैथ्स को आप कैसे पढ़ें, ठीक है, टाइम कितना कम है, इस टाइम स्लॉट में आप कैसे तैयारी करें, रीजनिंग को कैसे पढ़ें और साइंस को कैसे कवर करें, ठीक है, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो उसके फर्दर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छे से रहें, पढ़ाई करें, खुश रहें, माँ बाप का नाम जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।